नमस्कार दोस्तों, मैं हेल्थ कोच और आपका दोस्त ललित सुतरिया। दोस्तों, इससे पहले हमने विटामिन B12 की, विटामिन सी और विटामिन डी की बातें की थी। आज हम विटामिन ए और B3 की बात करेंगे। दोस्तों, ये जो विटामिन ए जो है, ये आँखों के अंधत्व यानी रेटिनल, आँखों और त्वचा के रखरखाव के लिए वो आवश्यक है। ये विटामिन वसा में घुलनशील है और लीवर में रहता है, जिसे एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। ये जो कैंसर, ALS, एंजिंग और स्ट्रोक जैसी जो बीमारियां है, उसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल से ये विटामिन बचाता है। आयुर्वेद में फ्री रेडिकल्स टॉक्सिन को आम माना जाता है। आम माने एक जहरीला गैस जो वात और पित्त बिगाड़ता है। ये खराब पाचन के कारण शरीर में फैलता है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से टीथ एवं हड्डियों की कमजोरी, वजन घटना, जलोदर, कब्ज, TB, ये बहरापन, साइनस, सर्दी, फेफड़े और सांस संबंधी बीमारियों हो सकती है। विटामिन ए जो है वो बढ़ाकर जो हम देखें तो ये बीमारी के साथ ये पैनक्रियाज कैंसर को भी वो फैलने से रोकता है। प्राकृतिक रूप से विटामिन ए की जो बात करें तो वो कहाँ से मिलता है, तो डार्क ग्रीन जो लीफी जो वेजीज है, येलो वेजीज है और फ्रूट है, जिसमें हम देखें तो गाजर, शकरकंद, कुर्बानी जैसे हम जर्दालू बोले, पालक, गोभी, ब्रोकोली, मूली के पत्ते, लाल मिर्च, टमाटर और नींबू जो है उसमें से वो मिलता है। फल में देखें तो आंवला, पके आम, संतरा, माल्टा, अंगूर, केला, खरबूजा, तरबूज, पपीता और सीताफल से वो मिलता है। उसके अलावा जो हम देखें तो बाजरा, मसूर, चना, सफ़ेद सोया, दूध, ये मक्खन और घी से वो पाया जाता है। दोस्तों, आपने अभी तक मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ अभी ये कर दीजिए, ताकि मैं हेल्थ की जानकारी के लिए आपसे जुड़ा रहूं। दोस्तों, यहाँ से आगे विटामिन B3 की जो हम बात करें तो ये विटामिन जो है वो निकोटिनिक एसिड है, जो इसे नियासिन भी कहे जाते हैं। ये विटामिन दूसरे विटामिन से अलग है। ज़रूरत होने पर इसे गौर से समझकर डॉक्टर के मार्गदर्शन से ही लेना चाहिए। यदि आप कोई अन्य दवा ले रहे हैं तो इसके साथ B3 लेने से गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जैसे दुष्प्रभाव में देखें तो लो BP, दृष्टि धुंधली होना, हृदय की ऊपरी चैम्बर में विकृति आना, पेट फूलना और जलन, उल्टी, फ्लश, दस्त, गठिया, स्नायु में दर्द, ये ऐंठन, त्वचा का विकार, खुजली और छाले पड़ सकते हैं। इसलिए डॉक्टर के सुझाव के बिना B3 दवा का उपयोग कभी न करें। साथ ही हम कहें तो डॉक्टर द्वारा जो सुझाई गई मात्रा से इसे अधिक वो न ले। यदि आपको ये दवा लेने की ज़रूरत पड़े तो इसे लेने का पूरा रिकॉर्ड अपने पर्स में रखना चाहिए। ये दवा किसी संक्रमित व्यक्ति को नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही हम जो देखें तो पशु और बच्चों से भी वो दूरी रखना चाहिए। ये दवा पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसलिए उसका जो निपटाना है वो केमिस्ट की सलाह से वो उसको निपटाना चाहिए। B3 किसको नहीं लेना चाहिए? ये बच्चों को, लेडीज़ को गर्भावस्था और ब्रेस्ट फीडिंग के समय, लीवर रोग में, गंभीर हाइपोटेंशन के समय, धमनी के रक्तस्राव और ये पेप्टिक अल्सर के दौरान B3 नहीं लिया जाना चाहिए। प्राकृतिक रूप से हम देखें तो नियासिन से भरपूर विटामिन B3 जो है वो माल्टा, भुनी हुई मूंगफली, अखरोट, बादाम, ये सनफ्लावर के बीज, तिल, जौ, फाड़ा गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चावल, पौवा, तुवेर दाल, ये काबुली चना,
मूंग और हरे छिलके वाली मूंग दाल में ये पाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा विटामिन बी वन जो है उसको थियामिन बेरी बेरी कहा जाता है। ये विटामिन जैव रासायनिक कार्यों के लिए ज़रूरी है। उसकी कमी से भूख कम लगती है और अपच की समस्या हो जाती है। पाचन तंत्र पर भी बुरा असर पड़ता है। बेरी बेरी नामक बीमारी और हृदयाघात भी उसमें आता है। प्राकृतिक रूप से हम देखें तो विटामिन बी वन जो है वो माल्टा जैसे फल, दूध और आटे में पाया जाता है। और एक विटामिन बी है उसे रिबोफ्लेविन भी कहा जाता है। उसकी कमी से त्वचा, जीभ और होंठ फटने लगता है। प्राकृतिक रूप से हम देखें तो विटामिन बी टू जो है वो माल्टा, पालक, मूंगफली, गेहूँ और दूध आदि में वो पाया जाता है। एक और विटामिन बी जो है वो है विटामिन बी नाइन। तो वो विटामिन बी नाइन की जो हम बात करें तो उसे फोलिक एसिड भी कहा जाता है। ये फोलिक एसिड विटामिन बी ट्वेल्व की तरह होता है, इसलिए उसकी उपयोगिता और कमी से जो होने वाले रोग एवं उसकी प्राप्ति के लिए जो विटामिन बी का हमने जो सेशन लिया है उसमें आप वो प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं। दोस्तों मेरी ये यूट्यूब वीडियो पर कॉमेंट करें, उसे लाइक करें, बातें ठीक लगी तो शेयर भी करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूले ताकि सेहत से जुड़े मेरी ये बातें सही वक्त पर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।